बिग बॉस सीजन 16 हर सीजन से काफी पॉपुलर रहा है। इस सीजन को काफी कामयाब सीजन भी बताया गया है, जिसमें टोटल 16 कंटेस्टेंट आए थे, जिसमें से टॉप 3 में प्रियंका चहर चौधरी, शिव ठाकरे और एमसी स्टैन बचे थे। बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन बने हैं। उन्हें शिव और प्रियंका में सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे। बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ एमसी स्टैन को 21,80,000 रुपए और होंडई ग्रैंड i10 कार भी मिली थी। लेकिन आज हम बात करेंगे बिग बॉस 16 के 5 ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जिनको हारने के बाद भी मिला बड़ा मौका। नंबर 5 पर है निमरित कौर आलूवालिया। बिग बॉस 16 के घर में निमरित कौर टॉप 6 में पहुंच गई थी, लेकिन आउट हो गई। हालांकि इससे पहले ही निमरित को एकता कपूर ने LSD 2 यानी लव सेक्स और धोखा 2 मूवी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन कर लिया था। एकता कपूर बिग बॉस के घर में आई और निमरित को अपनी आने वाली फिल्म के लिए साइन किया। LSD 2 से निमरित कौर का बॉलीवुड में डेब्यू होगा। नंबर 4 पर है शिव ठाकरे, जो बिग बॉस 16 के रनर अप भी बने हैं। फिनाले के ठीक एक दिन पहले रोहित शेट्टी अपने आने वाले शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए एक कंटेस्टेंट लेने आए थे। शालीन भनोट उनके हर खतरों में पास हुए और रोहित शेट्टी ने उन्हें पहला कंटेस्टेंट अनाउंस भी किया, लेकिन शालीन ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें खतरों से फोबिया है। शिव ठाकरे इस शो में जाना चाहते थे, इसलिए ऐसी खबर है कि शिव ठाकरे खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के पहले कंटेस्टेंट बन गए हैं। नंबर 3 पर है प्रियंका चहर चौधरी। हर किसी को यकीन था कि बिग बॉस 16 तो प्रियंका ही जीतेगी, लेकिन वो टॉप 3 में आकर आउट हो गई। प्रियंका ने शो तो नहीं जीता, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका को शाहरुख खान की आने वाली फिल्म धुनकी में एक रोल मिला है, जिसका खुलासा जल्दी हो सकता है। इसके अलावा प्रियंका कलर्स के कुछ शो जरूर करने वाली हैं, जिसका जिक्र उन्होंने मीडिया से किया था। नंबर 2 पर है शालीन भनोट। टीवी एक्टर शालीन भनोट बिग बॉस 16 में टीना दत्ता और सुम्बुल तोकीर के साथ लव ट्रायंगल चलाने के चक्कर में खूब चर्चा में रहे, जो टॉप 5 में पहुंच गए थे, लेकिन कम वोट्स मिलने के कारण आउट हो गए। लेकिन शालीन को इसका कोई गम नहीं, क्योंकि उनके हाथ एकता कपूर ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। बिग बॉस 16 के फिनाले में एकता कपूर ने वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि वो शालीन भनोट को अपने सीरियल बेकाबू में लीड एक्टर के तौर पर साइन कर रही हैं। और नंबर 1 पर है अब्दुल रोजिक, जो बिग बॉस 16 का सबसे क्यूट और फेवरेट कंटेस्टेंट था। तजाकिस्तान से आए इस विदेशी मेहमान को बिग बॉस में ढेर सारा प्यार मिला, जो बिग बॉस 16 के फिनाले से पहले ही बाहर हो गए थे, लेकिन वो बिग बॉस के फिनाले में आए थे। और सलमान खान ने बताया कि अब्दुल रोजिक को बिग ब्रदर शो से ऑफर आया है और अब वो बिग ब्रदर का अगला सीजन करेंगे। आपको बता दें कि बिग ब्रदर को देखकर ही बिग बॉस को बनाया गया है, जिसमें इंटरनेशनल स्टार्स एक घर में 3 महीने के लिए कैद होते हैं और जिसे वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। तो गाइज, ये थे बिग बॉस 16 के वो 5 कंटेस्टेंट जिनको शो हारने के बाद भी कुछ ना कुछ बड़ा ऑफर मिला है। वैसे आपके हिसाब से किस कंटेस्टेंट को बिग बॉस 16 का विनर बनना चाहिए था, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।